बंदा है वो ब्लॉगिंग करता है बहुत अच्छी ब्लॉगिंग कर रहा है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड बन गई और अब उसका फोकस हो गया खराब ठीक है तो वो कह रहा है कि सतीश भैया से आप पूछना कि ब्लॉगिंग छोड़ दूँ कि गर्लफ्रेंड छोड़ दूँ मैं तो कह रहा हूँ दोनों को मत छोड़ो क्या दिक्कत है अपनी गर्लफ्रेंड को सिखा दो राइट एक ही चीज सतीश भाई एक ही चीज कर पा रहे हैं फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं तब ऐसे सिचुएशन में फिर फिर गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ दो फिर ऐसी बनाओ ना जो आपको आप, आपके गोल में भी हेल्प करे अगर इसको हम डिस्ट्रैक्शन के तौर पे लें कि उसकी लाइफ में वो गर्लफ्रेंड आ गई पर फॉर एक्साम्पल अगर डिस्ट्रैक्शन आता है तो हम डिस्ट्रैक्शन को दूर तो बोलता कर आपके लाइफ में किसी भी चीज से अगर आपके गोल में डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो गलत चीज है ओके आपके लाइफ में अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको हम कैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर करें देखिए इतना आसान तो नहीं होगा दूर करना आप पहले समझाओ पहले बात करो कि आपका और भी काम है या फिर आपको खुद डिसिप्लिन बनना पड़ेगा टाइम आप दोनों जगह दे सकते हो इंपॉसिबल कोई चीज नहीं है ऐसा कि भाई मैं एक ही एक ही जगह पर जा सकता हूं